नमस्कार, मैं हूं अवधूत दास, आपका पर्सनल सबकॉन्शियस माइंड ट्रेनर। आज हम सीखेंगे अपने मन की शक्ति को स्थान एवं समय की शक्ति के साथ कैसे कंपैटिबल बनाएं। समझाता हूं क्या कह रहा हूं। टाइम और काल ये जो है ये एक एनर्जी है। समय आगे बढ़ता है, समय की धारा आगे बढ़ती है, समय का प्रवाह होता है, टाइम सामने जाता है। ये जो टाइम है, समय जो है, ये एक शक्ति है, एक एनर्जी है। काल कहते हैं इसे, काल शक्ति। हम जो हैं, हम एक एनर्जी हैं। अगर दोनों एनर्जी को कंपैटिबल बना दिया जाए, दोनों के बीच में दोस्ती करा दी जाए, एक संपर्क साध दिया जाए, एक नाता तैयार कर दें, तो ये दोनों मिलजुल के आगे बढ़ सकेंगे और दोनों एक दूसरे को हेल्प कर पाएंगे, सपोर्ट कर पाएंगे। शायद कभी कभी आप अपने एनर्जी के द्वारा समय की एनर्जी को, काल को शायद निवेदन करें कि भाई देखो मेरा ये काम जरा कर दो या मेरा ये काम हो जाने दो, थोड़ा रिक्वेस्ट करता हूं। और काल कहे कि ठीक है, चलो तुम्हारे लिए मैं मान लेता हूं इस चीज को। तो यद्यपि आपका समय नहीं था उस समय, परंतु आपका समय हो गया, आपका काम बन गया, अपना टाइम आएगा। सो टाइम को हम ला पा रहे हैं अपने लिए जब हमें स्पेशल जरूरत है। और ठीक इसी प्रकार से कभी कभी काल, जो टाइम का एनर्जी है, समय का जो शक्ति है काल, वो शायद कभी आपसे रिक्वेस्ट करे, अरे देखो भाई इस वक्त के लिए थोड़ा मान जाओ, अभी ये काम नहीं हो पाएगा, इसको छोड़ो जाने दो। तो कभी कभी समय आपसे रिक्वेस्ट करेगा, स्पेशल रिक्वेस्ट, आप उसको स्वीकार कर लेंगे। और कभी कभी आप समय से, काल से, टाइम एनर्जी से स्पेशल रिक्वेस्ट करेंगे और वो आपकी बात को मान जाएगा। ऐसे करके मिलजुल के दोस्ती में थोड़ा देना थोड़ा लेना, ऐसे मिल बांट के अपने जीवन को आप चला पाएंगे। जब समय आपके साथ हो, भला कौन आपको रोक सकता है। तो इसके लिए समय को अपने तरफ लेना बहुत जरूरी है। और ये मैनिपुलेशन के इरादे से नहीं करना चाहिए, ये होगा दोस्ती के नाते, अरे दोस्त मेरे लिए कर देना। और कभी कभी दोस्त हमसे कहेंगे, अरे दोस्त चल इस बार के लिए मान जा, अभी नहीं हो पाएगा इस वक्त ये काम। तो ठीक है चलो वही सही, समझ रहे हैं ना, ये वाला काम हम करने जा रहे हैं। समय के साथ खेलने नहीं जा रहे हैं, समय के साथ खिलवाड़ नहीं करने जा रहे हैं, समय के मालिक नहीं बनने वाले हैं हम। समय जब होना है होगा, जो जिस प्रकार से जब जैसे आना है आएगा, और जब जैसे जाना है वैसे तब वो जाएगा। परंतु आप जब एक कंपैटिबिलिटी बना लेते हैं काल शक्ति के साथ, समय के साथ, तो फिर आपके इच्छा अनुसार कभी कभी समय आपके फेवर में काम करने लगेगा, काल आपके तरफ होके चलेगा। और कभी कभी एग्जैक्ट उल्टा, काल आपसे निवेदन करेगा, आप कहोगे चलो यार दोस्त तुम तो हर समय मुझे ऐसा कहते हो, मैं तुम्हें ऐसा कहता हूं, हमारे में अच्छा संपर्क है, अच्छा संबंध है, चलो इस खातिर से इस काम को मैं कर लेता हूं। ठीक है, तो फिर आप तैयार हैं सीखने के लिए क्या करना होगा। चलिए पहले आपको एक बड़ा सा घड़ी चाहिए, जैसे दीवार में झुलाने वाला, लटकाने वाला वॉल क्लॉक होता है, वैसे घड़ी का व्यवस्था कर लीजिए। मेक श्योर कि उसमें सेकेंड्स का सुई, सेकेंड्स का जो काटा है वो जरूर होना चाहिए, उसके बिना हमारा ये टेक्निक पूरा नहीं हो पाएगा। तो एक घड़ी का व्यवस्था कीजिए जो दीवार में झुलाया जाता है, बड़ा वाला गोल सा घड़ी जिसमें सेकेंड्स की सुई हो। एक ऐसे स्थान पर बैठ जाइए जहां पर सीधा देखने से आपको घड़ी दिख जाएगा, ऐसा कुछ व्यवस्था कर लीजिए बैठने का। और फिर पहले तो कीजिए कुबेर मुद्रा, याद है ना कैसे करते हैं, पहला दो उंगली अंगूठा, इनके अग्रिम भाग को, टिप्स को हल्के से सॉफ्ट तरीके से टच कीजिए, एक दूसरे के साथ स्पर्श कीजिए, बाकी दोनों उंगलियों को अंदर की तरफ मोड़ लिया है,
ये हो गया आपका कुबेर मुद्रा। सीखा है आपने पहले भी, दाया हाथ बाया हाथ किसी भी एक हाथ से कीजिए, ठीक है। हाथ को गोदी पे रख लीजिए और सामने जो घड़ी है आप ऐसे करके बैठिए कि सामने घड़ी हो, उसका जो सेकेंड्स का कांटा है उस पर नजर एक टक बना के रखिए और देखते रहिए कांटा कैसे करके घूम रहा है, टिक 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 टिक। तो मैं साउंड से कह रहा हूं पर आप मन में देखते रहिए उसको, मतलब सच में देखना, फिजिकली आंखों से आपको नेत्रों से देखना पड़ेगा उस सेकेंड्स का सुई कैसे जा रहा है। मान लो 15 सेकेंड तक आपने उस पर नजर जमा के रखे आप और देखा कि कैसे जा रहा है जा रहा है जा रहा है, कुछ अंदाज से 15-20 सेकेंड हुए, तब आपने बड़े शांति से सौम्य भाव से आंखों को बंद कर लिया, परंतु मन में अभी भी उसको फॉलो कर रहे हैं क्योंकि असल में घड़ी का कांटा तो घूम ही रहा है, वो तो चल ही रहा है, आपको दिख नहीं रहा है, परंतु मन की नजरों से आप उसी स्पीड को मेंटेन करके जा रहे हैं, कांटे का वो जो सेकंड्स का सुई है वो चल रहा है चल रहा है। अंदाज से 15-20 सेकंड चलने दीजिए, मन की नजरों से उसको देखते रहिए। कुछ 15-20 सेकंड हो गए, फिर बड़े प्यार से आंख खोलिए और असली के घड़ी को देखिए जो दीवार पर लगा हुआ है, और देखिए मन में जो सेकंड्स का सुई जहां पे था असली घड़ी में भी सेकंड्स का सुई ठीक वहीं पे है या थोड़ा आगे निकल चुका है या पीछे है। अगर वो पीछे है तो अपने मन को फिर से एडजस्ट कीजिए कि मन की घड़ी में भी वही है, यही है मन का घड़ी, मन में कोई दूसरा घड़ी नहीं है। तो आपने देखा अच्छा ये तो यहां पे, मुझे लगा था कि 35 तक पहुंच चुका है पर अभी तो सिर्फ 20 पे है या अभी तो 31 पे है, चलो जहां पे वहीं से सही, और 15 सेकंड हमने उसको फॉलो किया, आंखों से देख देख के फॉलो किया, देखते गए एक टक देखते गए। कोशिश करना है पलके झपके बिना कंटिन्यूस घूर रहे हैं आप, तो उससे माइंड में पूरी तरह से स्टोर हो रहा है, और जब 15 सेकंड करीब देखना हो गया फिर बड़े प्यार से आंख बंद कर लिया पर मन में अभी भी उसको चला रहे हैं, चल रहा है वो चल रहा है, 15 सेकंड चलाइए उसको और फिर आंख खोलिए, देखिए आपके मन में जहां तक पहुंचा था सच में भी वहीं तक पहुंचा है या सच में पीछे रह गया है या सच में बहुत आगे जा चुका है। ऐसा आपको प्रैक्टिस करते रहना है कुछ दिनों तक कीजिए, बार बार कीजिए, जब भी मौका मिले कीजिए, कितना देर एक सिटिंग में करना है जितना आपको मन करता है, आपका जब तक इंटरेस्ट बना हुआ है इस पूरे चीज पे करते रहिए। यानी कुछ देर देखा फिर आंख बंद करके उसको चलाया, आंख खोल के देखा सेम मैच कर रहा है कि नहीं। फाइनली इस ट्रेनिंग प्रैक्टिस का कंक्लूजन कब होगा, फिनिश कब होगा, जब आप आंख खोलें और ठीक वहीं पे है जहां पे मन में था, दैट मीन सही जा रहा है और ये बार बार हो रहा है। यानी फिजिकल वर्ल्ड का 15 सेकंड और मेंटल वर्ल्ड का 15 सेकंड एग्जैक्टली सेम है, ऐसा आपको क्रिएट करना है। जब 15 सेकंड का कंफर्टेबल हो गया 20 सेकंड कर दीजिए, 30 सेकंड कर लीजिए, 60 सेकंड कर लीजिए, यानी एक मिनट तक आप उसको देखते गए और फिर आंखें बंद कर ली और मन में देखे जा रहे हैं, आंखें खोली वहीं से कंटिन्यू हो रहा है, यानी कुछ आगे पीछे नहीं हो रहा है। आपका मानसिक घड़ी और फिजिकल वर्ल्ड का जगत का घड़ी दोनों सेम स्पीड पे चलने चाहिए, इस लेवल तक आपको आना है प्रैक्टिस करके। कभी कभी बहुत समय लग जाता है और कभी कभी बाय चांस शायद एग्जैक्ट हो गया, परंतु क्या आप अपनी सफलता को रिपीट कर पा रहे हैं, आपको बार बार करना होगा। यानी लास्ट 10-15 बार जब भी मैंने किया वो सही ही रहा है, यहां तक कि एक एक मिनट तक मैं मन में चला सकता हूं सेम स्पीड में कोई चेंजेस नहीं आते, यानी आप एक्सपर्ट बन चुके हैं और करने की जरूरत नहीं, काफी हो गया, ठीक है। ये था टाइम एनर्जी के साथ, काल शक्ति के साथ मानसिक एनर्जी का कंपैटिबिलिटी, सिंक्रोनाइजेशन, दोनों को एक साथ चलाने का क्षमता कंडीशनिंग करते हुए डेवलप करना खुद के अंदर, ये सेल्फ डेवलपमेंट का प्रोसेस है, बस इतना ही है। वो जो मैंने शुरू में बताया था वो सब बातें बाद में आएंगी, ठीक है। इस वक्त तो आप बस अपने को ट्रेनिंग दे रहे हैं, अपने को कंडीशनिंग करा रहे हैं, अपने को तैयार करा रहे हैं इस जगत के समय शक्ति के साथ अपने मन को चलाने का, बस इतना ही, ठीक है। अभी नेक्स्ट टॉपिक होता है स्पेस, क्योंकि टाइम स्पेस कंटिन्यूम होता है, दोनों को देखना पड़ेगा। तो जो स्थान है उसको समझने के लिए क्या करना होगा, एक इंची टेप ले लीजिए या स्केल ले लीजिए जिससे मेजरमेंट कर सकते हैं। तो लंबा स्केल है या इंची टेप है, उससे आपने मेजर किया एक फुट कितना होता है, वन फुट इतना कुछ है, तो आपने स्केल को देखा हाथ में, हाँ भाई इतना होता है एक फुट, जमीन पे उसको रख के मेजरमेंट करके मार्किंग कर दिया कि वन फुट इतना होता है, ठीक है, देख लिया समझ गए भाई इतना होता है वन फुट।
फिर स्केल को आगे बढ़ाया, 2 फुट का देख लिया, अच्छा 2 फुट इतना होता है, अच्छा अच्छा ठीक है भाई इतना होता है। अब मन से कल्पना किया ये 2 फुट इतना दिख रहा है तो फिर 3 फुट कितना होगा, ऐसे मन का अंदाजा लगा, 1 फुट इतना है, 2 इतना है, तो 3 यहीं तक का होगा। और जब मन में लगा 3 वहां पर है, आपने अपने मित्र को बोला कि वहां पे मार्किंग करो, मेरे अनुसार 3 फुट वहां पे है, अभी एक्चुअल मेजर करके देखो 3 फुट होना चाहिए, 3 से कम है ज्यादा है, यानी स्पेस के साथ आपका कंपैटिबिलिटी अभी तक जमा नहीं, अभी तक तैयार नहीं हुआ। तो ऐसे प्रैक्टिस करना है। लंबा फीता लिया था 1 मीटर, तो 1 मीटर इतना होता है, अच्छा ठीक है, 2 मीटर इतना होता है, तो 3 मीटर वहां तक होगा, अंदाजा मारा आपने, ऐसे करके आप मेजर करते गए। बाद में स्टार्टिंग किया ही नहीं, डायरेक्टली कहीं भी किसी भी जगह पे कहीं पे आपने बोला मुझे लगता है 5 फुट यहां से वहां तक होगा, वो जो पेड़ है या वो जो पत्थर है वहां तक 5 फुट है, अभी एक्चुअल में मेजर करके भी 5 फुट होना चाहिए वो, यानी कि 5 फुट 5 इंच या 5 फुट होने में 2 इंच बाकी रह गया, एग्जैक्ट होना पड़ेगा। ये बहुत लंबा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, अधिकतर लोग हार मान जाते हैं बीच रास्ते में, यानी कर रहे हैं काम हो नहीं रहा है, गलत हो रहा है, गलत हो रहा है, गलत हो रहा है, तो हार मान गए। जो इंसान अपने मन में अपने से ही हार मान जाए वो जीवन में कितना तरक्की करेगा, कितना दूर जा पाएगा? जीवन में अप्स एंड डाउन्स तो होते ही हैं, लाइफ में कठिनाइयां होंगी और सुविधा के समय होंगे, तो जो इंसान अपने मन में खुद के साथ लड़ते लड़ते हार मान रहा है वो जगत की कठिनाइयों को कैसे सामना कर पाएगा भला? तो इसके लिए आपको दृढ़ व्रत होना पड़ेगा, एकदम डिटरमाइंड होना पड़ेगा कि नहीं 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 मैं नहीं हार मानने वाला, क्योंकि यहां पे कोई आपको टेस्टिंग नहीं कर रहा है, आपको दुनिया में जगत में किसी के सामने कोई बड़ा अव्वल मार्क या उत्तीर्ण नहीं होना है, ये तो खुद के साथ खुद का इंप्रूवमेंट है, बस करते रहो अपना बैठ बैठ के। तो अगर इस प्रोसेस में आपको 6 महीने भी लग जाते हैं, हार नहीं मानेंगे आप, नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे? क्योंकि आप पावर ऑफ द सबकॉन्शियस माइंड पर विश्वास रखते हैं और मन को प्रोग्रामिंग करके आप एक्यूरेसी पे शीघ्र ही आ सकते हैं। परंतु गलत हो जाता है, सर क्या करें क्या करें? बहुत सही पूछा आपने, यहां नंबर दिया हुआ है 9836338102, यहां पे फोन कीजिए, परंतु भारतीय समय 11 बजे से शाम के 5:30 बजे तब तक के अंदर फोन कीजिए या व्हाट्सएप मैसेज छोड़ दीजिए। सोमवार को कॉल मत करना, सोमवार को ऑफिस बंद है, बाकी दिन कॉल कीजिए और पता कीजिए कि अवधूत सर का यानी मेरा जो 2 दिन का ट्रेनिंग होता है, शनिवार रविवार को होता है और कभी होता नहीं, शनिवार रविवार को ही होता है, सुबह 9 से शाम के 6:30, हर शनिवार रविवार को नहीं, अधिकतर शनिवार रविवार को होता है, तो वो कब आप आके अटेंड कर सकते हैं ये जरा पता कर लीजिए, अटेंड करने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा वो भी पता कर लीजिए, वहां पे सब आपको बता दिया जाएगा। आप जिस शहर में रहते हैं उसके इर्द गिर्द आसपास कहीं पे मैं अगर आके ट्रेनिंग करा रहा हूं तो अच्छी बात है, वहीं पर आके अटेंड कर लीजिए, नहीं तो अपने शहर में आप ही ऑर्गेनाइज कर दीजिए, मैं आके ट्रेनिंग करा दूंगा, परंतु बेस्ट ये रहेगा आप कलकत्ता आके ट्रेनिंग कर लीजिए, सबसे अच्छा रहेगा, सबसे उत्तम रहेगा वो। परंतु सेकंड बेस्ट क्या कर सकते हैं, ये तो बेस्ट है, इतना प्रैक्टिकल नहीं है, पॉसिबल नहीं है, बहुत दूर रहते हैं, समय नहीं है वगैरह वगैरह, तो इन दैट केस ऑन कैमरा लाइव ब्रॉडबैंड इंटरनेट पर आप ये पूरा ट्रेनिंग कैमरा पे अटेंड कर सकते हैं, यानी आप मुझसे लाइव बात कर सकते हैं, मैं आपसे लाइव बात कर सकता हूं, जो रेगुलर क्लास हो रहा है उसी में हम कैमरा लगा देंगे और वहीं पे हम डायरेक्टली फेस टू फेस बात करके ट्रेनिंग कर लेंगे। तो कई देशों से, विश्व भर के कई देशों से लोगों ने लाइव कैमरा पे ट्रेनिंग किया है, उनको बहुत 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 सफलता मिला है, ठीक वैसे ही सफलता और शायद थोड़ा ज्यादा भी, क्योंकि डिस्टेंस से करने से क्या होता है, थोड़ा प्रेम बढ़ता है, थोड़ा अटैचमेंट बढ़ता है, इंटरेस्ट बढ़ता है कि भाई जरा ज्यादा ध्यान से करूं, क्योंकि सामने है घर की मुर्गी वो वाला बात हो जाता है, तो दूर से है तो थोड़ा सीरियसली करते हैं और रिजल्ट बड़ा फैंटास्टिक आता है। तो चिंता मत कीजिए, कुछ लॉस नहीं होगा, 100% ट्रेनिंग होगा, आप ऑन कैमरा कर सकते हैं, पर्सनली आके कर सकते हैं, मात्र 2 दिन का ट्रेनिंग, सुबह 9 से शाम के 6:30 बजे तक। ट्रेनिंग का नाम है बेसिक क्लेयरवॉयंस ट्रेनिंग, BCT।
तो ये माइंड पावर का ट्रेनिंग है, सबकॉन्शियस माइंड का ट्रेनिंग है। हम सीखते हैं रिमोट व्यूइंग, रिमोट इन्फ्लुएंसिंग वगैरह वगैरह कई चीजें। तो ये जो काम आप कर रहे हैं, जो मैं अभी सिखा रहा हूं, इसको ज्यादा बेहतर तरीके से कर पाएंगे जब आपने वो ट्रेनिंग किया हुआ है। परंतु उस ट्रेनिंग के बगैर भी इस टेक्निक को कर सकते हैं, और आपका डेडिकेशन रहा, आपके अंदर सीरियसनेस रहा, डिसिप्लिन रहा, सिंसियरिटी रहा, कमिटमेंट रहा, और माइंड के अंदर आपका प्लानिंग रहा, तो आप निश्चित ही इसमें भी सफल हो पाएंगे और बड़े अच्छे से सफल होंगे। तो ये था टाइम के साथ कंपैटिबिलिटी एंड स्पेस के साथ कंपैटिबिलिटी। स्पेस के साथ आपको एक्स वाई जेड तीनों एक्सिस में कंपैटिबिलिटी क्रिएट करना होगा। तो आपने किया यहां पे, लंबाई पे आपने किया एक्स एक्सिस पे, चौड़ाई पे कीजिए, यहां पे कैसा लगता है ऐसे करके। तो चौड़ाई पे किया, लंबाई पे किया और गहराई पे किया, अब हाइट पे कीजिए। तो ये दीवार जो है, दीवार में यहां तक लगता है 2 फिट का होगा, यहां तक लगता है 6 फिट होगा, माप के देखिए, मैच करना चाहिए। तो एक्स वाई जेड एक्सिस पे आपका माइंड जो है करेक्ट तरीके से स्पेस स्पेसिंग जो है, जो डिस्टेंस है, वो एग्जैक्टली बता सके, तब तक आप प्रैक्टिस करते रहिए। और समय को एग्जैक्टली बता सके आपका माइंड, वो आप थोड़ा प्रैक्टिस करते रहिए। जब प्रैक्टिस हो जाएगा, अब आपको क्रिएट करना है एक्चुअल फ्रेंडशिप। वो कैसे करेंगे, आप गहरे ध्यान अवस्था में प्रवेश करेंगे, कैसे प्रवेश करेंगे, वही वाला मेरा स्टैंडर्ड टेक्निक। सीधा होके बैठे, एक गहरी सांस ली, आहिस्ते से सांस को छोड़ा, और छोड़ते वक्त सोचा चारों ओर नीला रंग है। फिर एक और गहरी सांस ली, सांस छोड़ते वक्त सोचा चारों ओर हरा रंग है। फिर एक और गहरी सांस ली, सांस छोड़ते वक्त सोचा चारों ओर लाल रंग है। ब्रेन फोकस में आ गया, मन शांत हो गया। अभी आप घड़ी के बारे में सोचिए, मानसिक घड़ी को, और घड़ी में सेकेंड्स का काटा चल रहा है, उसको चलाइए। मन में सोचिए कि वो जो काटा चल रहा है, आप दूर से उसको छू पा रहे हैं, हाथ को यहां रखकर उसका एनर्जी अपने हाथ में फील कर पा रहे हैं। जैसे काटा जाएगा, हाथ में उसका एनर्जी फील हो रहा है, आप उसके स्पीड को रेगुलेट कर पा रहे हैं, उसको पीछे ले जा पा रहे हैं, फॉरवर्ड ले जा पा रहे हैं, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। इस प्रकार से मन में ये करते रहिए, करते करते आपको खुद से महसूस होने लगेगा कि आपका टाइम एनर्जी के साथ बहुत सुंदर और सटीक कंपैटिबिलिटी क्रिएट हो चुका है। जहां तक स्पेस का सवाल है, क्योंकि टाइम स्पेस के बारे में हम बात कर रहे हैं, एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस में एवं जेड एक्सिस में, आपको स्वयं से मालूम चलेगा कि मेरा स्पेस एनर्जी पे भी कंपैटिबिलिटी क्रिएट हो चुका है। और साथ ही साथ मैं जो दूसरे चीजें कराता हूं, जैसे कि एस्ट्रल ट्रेवल है, टाइम रिग्रेशन है, टाइम प्रोग्रेशन है, टाइम डिस्टॉर्शन है, यानी समय के एनर्जी को एक्सपैंड करा देना। तो स्टूडेंट क्या करते हैं, एक पुस्तक पढ़ना है, उस पुस्तक के पृष्ठ को पढ़ने के लिए मान लो 10 मिनट लगते हैं अच्छे से पढ़ के सीखने के लिए। तो टाइम एनर्जी को स्लो कर दिया, यानी समय की धारा अभी आहिस्ते आहिस्ते आगे बढ़ेगी। तो अपना फुर्सत में 10 मिनट लेके उसको पढ़ा, घड़ी में देखा ये क्या सिर्फ 6 मिनट हुए हैं, 4 मिनट की बचत हो गई। तो ऐसे करके जो 2 घंटा बच्चा पढ़ाई करता है, अभी उसने 2 घंटे की ही पढ़ाई, पूरी की पूरी पढ़ाई सिर्फ 20 मिनट में कर लिया, 30 मिनट में कर लिया, बाकी टाइम सेविंग हो गया ना। परीक्षा लिखते वक्त मान लो 3 घंटे का परीक्षा है, तो आप जब परीक्षा हॉल में कक्ष में पहुंचे, माइंड में टाइम डिस्टॉर्शन कर लीजिए, जो कि आप मेरे ट्रेनिंग में सीखेंगे। नीचे नंबर दिया हुआ है, कॉल कीजिए वहां पे 9836338102। 11 से 5 सुबह दिन के समय, रात के समय पे नहीं, एवं सोमवार को ऑफिस बंद, तो बाकी दिन कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए कभी भी। तो वहां पे सीख लीजिए, पता कर लीजिए कब ट्रेनिंग हो रहा है, फिर आगे ट्रेनिंग कर लीजिए। तो वहां पे एग्जाम हॉल में बैठे हैं, तो एग्जाम शुरू होने से पहले आपने टाइम डिस्टॉर्शन कर लिया, समय की गति को धीमा कर लिया। फुर्सत में बैठ के 3 घंटे का एग्जाम आपने 4 घंटा लगा के लिखा, 1 घंटा बैठ के रिविजन किया, आपके अनुसार 5 घंटे बीत गए भैया, घड़ी में देखा ये क्या सिर्फ 2.5 घंटे हुए हैं। एक पूरा एग्जाम लिख लिया, 1 घंटा बैठ के रिविजन कर लिया, अभी भी 1/2 घंटा बाकी है। शान से उठिए और गाना गाते हुए गुनगुनाते हुए जाइए, चलता हूं दोस्तों, दुआ में याद करना, और निकल जाइए वहां से। बाकी स्टूडेंट्स परेशान, क्या मामला है भाई, हमसे परीक्षा का जो पत्र है एक बार आंसर लिखा नहीं जा रहा, ये पूरा लिख चुका है और 1/2 घंटे पहले उठ के जा रहा है, और उनको क्या पता आप तो रिविजन भी कर चुके हो।
रिमेंबर, परीक्षा लिखते समय रिवीजन करना मैंडेटरी है, कंपलसरी है। याद कीजिए, आखिरी बार लास्ट टाइम आपने जब व्हाट्सएप में कोई मैसेज लिखा होगा, फिर उसको एडिट किया तो कितना अच्छा हो गया था ना। फेसबुक में पोस्ट करने के बाद जब उसको वापस पढ़ के एडिट किया, कितना अच्छा हो गया। तो परीक्षा में लिखने के बाद जब रिवीजन करेंगे, उसको एडिट करेंगे, बड़ा सुंदर हो जाएगा। तो नेसेसरी है, कंपलसरी है कि परीक्षा लिखने के बाद जरूर उसको एडिट करें, जरूर एक बार रिवीजन करें। इसके लिए समय चाहिए होता है, साधारण तो समय होता नहीं है। तो इसके लिए टाइम डिस्टॉर्शन कीजिए, टाइम एनर्जी के साथ आपका कंपैटिबिलिटी बन चुका है जब आप ये कर चुके होंगे, और फिर मेरा ट्रेनिंग कर लीजिए, सीख जाइए समय को कैसे धीमा करना है या समय को कैसे तेज करना है। जैसे जब मैं फ्लाइट में ट्रेवल करता हूं, यहां से दिल्ली जा रहा हूं कलकत्ता से, 2 घंटे का फ्लाइट है, अभी 2 घंटा क्या करे कौन इंसान, कोई इंसान। तो मैं क्या करता हूं, प्लेन में बैठते ही मैं टाइम डिस्टॉर्शन कर देता हूं, उस 2 घंटे को छोटा करके 15-20 मिनट कर लिया, प्लेन टेक ऑफ किया, खाना पीना देना का काम हुआ, और तभी मैं थोड़ा बाहर देखा बादल वगैरह जा रहे हैं, और फिर अनाउंसमेंट हुआ कि वह प्लेन लैंड कर रहा है, कैबिन क्रू एट योर स्टेशंस प्लीज। यानी कब समय बीत गया पता ही नहीं चला। तो मन जो है तेज गति से समय में आगे बढ़ जाएगा या धीरे धीरे करके आगे बढ़ेगा, दुनिया का समय वैसा ही रहेगा, पर आपका मन का एक्सपीरियंस, मन का जो इंटरप्रिटेशन है, फ्लो ऑफ टाइम, समय की धारा का जो प्रवाह है, उसका जो एक्सपीरियंस है वो आपका मन आपके लिए चेंज कर देगा। तो आपके पास ज्यादा समय हो गया, और जहां कम समय चाहिए वहां पे कम समय हो गया। इससे प्रैक्टिकल लेवल पे फायदा होता है, यानी मान लीजिए आप किसी एयरपोर्ट में पहुंचे और आपका कनेक्टिंग फ्लाइट 5 घंटे के बाद है, यानी 5 घंटे आपको एयरपोर्ट में बिताना पड़ेगा, थक जाएंगे ना। तो इंसान थक जाता है जब बहुत देर इंतजार करता है, परंतु अगर 15 मिनट के लिए आपको आराम करने को मिला तो आप तो फ्रेश हो जाएंगे। तो जो 5 घंटे का वेट पीरियड है उसको 15 मिनट बना दीजिए, तो आपके अनुसार बस बैठे और 15 मिनट बीता और अनाउंसमेंट हो गया भाई चले फ्लाइट पकड़ने के लिए, पर एक्चुअल में घड़ी में देखोगे 5 घंटे बीत चुके हैं। क्योंकि अब आपका मन और शरीर 15 मिनट के लिए रेस्ट किया है, आपके बॉडी में एनर्जी होगा, फ्रेशनेस होगा, ताजगी होगी, आपका माइंड एकदम क्लियर रहेगा। जबकि आप 6 घंटा या 5 घंटे वेट किए होते तो थोड़ा कंफ्यूज होते, थोड़ा ढीला ढाला सा लगता, शरीर भी थोड़ा थका हुआ लगता, पर वैसा नहीं होगा। सो टाइम डिस्टॉर्शन सिर्फ मानसिक एक्सपीरियंस नहीं है, शारीरिक एक्सपीरियंस भी है, बॉडी भी बेनिफिट पाता है टाइम डिस्टॉर्शन करके। परंतु टाइम डिस्टॉर्शन यहां पर कैमरा पे टीवी पर सिखाना थोड़ा मुश्किल है, ये थोड़ा गहरी चीज है ना, इसके लिए आपको पूरा कोर्स करना होगा, ज्यादा तो है नहीं, मात्र 2 दिन का कोर्स है। देखिए पिछली बार जब शनिवार आया था बीत गया है ना, रविवार आया अगले दिन वो भी किसी ना किसी तरीके से बीत गया। तो आपके जीवन में कितने ही शनिवार रविवार आए हैं और बीत गए हैं, पर क्या उखाड़ लिया यानी कौन सा बड़ा काम कर लिया उस 2 दिन के अंदर। परंतु वो 2 दिन अगर आप इस ट्रेनिंग में लगा लें, पहला दिन जब ट्रेनिंग खत्म होगा आप क्या सीख चुके होंगे, आप अपना कफ पित्त वात ये दक्षाल, इतना ही और कुछ नहीं, ये बस इतना, और तीनों को बैलेंस करना सीख चुके होंगे। प्लस आप सीख चुके होंगे डिस्टेंट पे कोई बैठा है, यानी लाइव वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में आप अपने मित्र के साथ आ जाइए जो जापान में बैठा है, जर्मनी में बैठा है, लाइव उसका कफ पित्त वाता अपने हाथ में चेक कीजिए, यहां स्नैप कीजिए, लाइव वीडियो में वो दूसरे देश में बैठ के बताएगा अरे सेम हो गया, अरे क्या हो गया, तूने क्या किया, ये तो सब बराबर हो गया। ये आप पहला दिन सीख रहे हैं। सो अपना कफ पित्त वाता, दूसरों का कफ पित्त वाता अपने हाथ में लेकर उनका प्रेडिक्शन करना, उनका करेक्शन करना, भले वो हॉस्पिटल में हो, आईसीयू में हो, ऑपरेशन टेबल पे हो, दूसरे देश में हो या स्पेस स्टेशन में हो, मंगल की तरफ जा रहे हैं या चंद्रयान में जा रहे हैं, तो कहीं भी आप लाइव कर सकते हैं। प्लस हमारे शरीर में जो 7 मुख्य प्रमुख चक्र हैं, उनका अलाइनमेंट करेक्ट वाई एक्सिस, करेक्ट एक्स एक्सिस, करेक्ट जेड एक्सिस, करेक्ट जगह पे अलाइनमेंट करना, वो आप कैसे करेंगे लाइव बता रहा हूं, ऐसे इतना ही समय लगेगा और यही मात्र आप चीज करेंगे और कुछ नहीं करेंगे, कुछ मन में सोचने की जरूरत नहीं है, बस इशारा ये करना है, चुटकी बजानी है और उंगली को ऊपर से नीचे लेना है, ये हो गया अलाइनमेंट, चक्र अलाइनमेंट। वेरीफाई करके देख लीजिए, चैलेंज कर रहा हूं, बैलेंसिंग चक्रों का जो एनर्जी है बैलेंस करना है, ये करेंगे चुटकी बजा के ऐसे करेंगे, यानी 3 चुटकी जिंदगी के, ये 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 बस।
आपका बॉडी का इनर सिस्टम्स एनर्जाइज हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा, कंपैटिबिलिटी में आ जाएगा। अब आप जो काम करना चाहते हैं ज्यादा बेहतर तरीके से कर पाएंगे, पढ़ाई करना चाहते हैं बेहतर पढ़ाई कर पाएंगे, दवाई खा के सेल्फ ट्रीटमेंट करना चाहते हैं उसका रिजल्ट बेहतर होगा, आप मेडिटेशन करना चाहते हैं उसका रिजल्ट बेहतर होगा, आप शास्त्र अध्ययन करना चाहते हैं उसका रिजल्ट बेहतर होगा। जो करना चाहते हैं वो कर पाएंगे बेहतर तरीके से, क्योंकि आपके अंदर इनर कंपैटिबिलिटी क्रिएट हो चुकी होगी। जो लोग अलग अलग ट्रेनिंग करते हैं अलग अलग सिस्टम्स का, हीलिंग सिस्टम्स का, वो लोग सीखते हैं कैसे हम चेक कर सकें चक्रा कैसा है भाई, चक्रा का एनर्जी कैसा है। तो ऐसे किसी व्यक्ति को अपने पास बुला लीजिए और किसी दूसरे व्यक्ति का चेक करवाइए उससे, और फिर आप ये कीजिए मेरे से सीखने के बाद, और फिर इस व्यक्ति को बोलिए, इस एक्सपर्ट को बोलिए, बोले अभी जरा एनर्जी चेक करके देखो। बोलेगा अरे वाह क्या हो गया, क्या किया तुमने, क्या तुमने तो एक चुटकी बजाई, इससे कैसे काम हो गया। बोले ये है पावर ऑफ द सबकॉन्शियस माइंड, जिसके बारे में आपको पता चला 24HRS टीवी में। क्या आपके पास टीवी चैनल नहीं है ये वाला? अरे चिंता की बात नहीं है, अभी तो यूट्यूब में देख रहे हैं, कहीं और देख रहे हैं, फिकर नॉट। गूगल में जाइए या प्ले स्टोर में जाइए, वहां से 24HRS टीवी डाउनलोड कीजिए और उसको ऑन कीजिए, बस लाइव दिखना शुरू हो जाएगा। दैनिक नित्य हर रोज सुबह 7 बजे एवं सायंकाल 5 बजे मैं आता हूं यही प्रोग्राम लेकर हर रोज। देखिएगा जरूर, क्योंकि मैं कभी बंगाली में बोलता हूं, कभी हिंदी में बोलता हूं, कभी इंग्लिश में बोलता हूं। अगर आपको सिर्फ हिंदी वाले प्रोग्राम चाहिए तो मेरे यूट्यूब चैनल में जाइए youtube.com/avadhutdas, वहां पर जाके प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट में क्लिक कीजिए इन हिंदी, वहां सिर्फ हिंदी वाले प्रोग्राम मिल जाएंगे। बंगाली भी चाहिए इन बांग्ला वो भी मिल जाएगा, अंग्रेजी वाले चाहिए इन इंग्लिश वो भी मिल जाएंगे, और सिर्फ 24 आवर्स टीवी वाला चाहिए तो उस वाले प्लेलिस्ट में चले जाइए, वहां पे सारे मिल जाएंगे। एक काम जरूर कीजिएगा, वहां पर प्लेलिस्ट में एक मनी एनर्जी का एक प्लेलिस्ट है, वहां के वीडियोस को जरूर देखिए, वहां से आपकी आर्थिक उन्नति होनी शुरू हो जाएगी। आर्थिक उन्नति हो गई, पैसे बहुत आ गए जीवन में, फिर जीवन अच्छे से चलेगा। माइंड पावर भी यूज कीजिए, हेल्थ भी अच्छा रखिए, पैसे भी अच्छे रखिए, रिलेशनशिप भी अच्छा रखिए, अपना बुद्धि शुद्धि जो है उसकी शक्ति को बढ़ाइए, मेमोरी पावर, कॉन्सेंट्रेशन, मोटिवेशन, एंथुजियाज्म, कॉम्प्रिहेंशन सबको डेवलप कीजिए, और जीवन में खुद सुखी रहिए, खुश रहिए, दूसरों को सुखी रहिए। ठीक है, देखते रहना मेरे ये प्रोग्राम को, निश्चित ही प्रोग्राम का नाम है पावर ऑफ द सबकॉन्शियस माइंड। अगली बार तक के लिए नमस्कार।